गाइस कार के स्टेमनी के पास तीन चूहा आप देख सकते हो। सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस राइडर पर सोपेन एंड मतलब की जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे कार के ऊपर ही वीडियो है। अभी आप देख सकते हो कार पे ही हूँ और इसमें क्या हुआ है, मतलब चूहा ने कांड कर दिया है। पीछे का जो बैक लाइट है वो मतलब बैक लाइट इंडिकेटर और जो रिवर्स का जो लाइट होता है सारे कुछ मतलब काट दिया है, जो वायरिंग था वो काट दिया है। सो अभी चलते देखते क्या कुछ किया है वो आपको दिखाता हूँ। और मतलब तीन चूहा स्टेमनी के पास है और वो भी आपको दिखाता हूँ और उसको भी मतलब बाहर निकाल देना होगा और वो भी आपको दिखाता हूँ। और मतलब चूहा ने आप बोल सकते हो घर बना लिया कार के जो बूट है बूट पर, और मतलब बहुत दिनों से कार घर पे ही था, बाहर नहीं निकला हो, उसके वजह से ही मेरे को लग रहा हुआ है ऐसा। और देखते क्या देने में नहीं आता है कार पे वो भी देखते। सो अभी चलते, आप वीडियो देखिए, अभी रोड पे हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या सीन हुआ था पहले, उसका क्लिप्स आपको दिखाता हूँ और उसके बाद देखते क्या करते हैं और सारी चीज़ आपको दिखाऊँगा, आप वीडियो देखिए। सो बाय गाइस, अभी कार के पास आके देख रहा हूँ कि पीछे का जो बैक लाइट है वो नहीं जल रहा है, मतलब कुछ भी लाइट नहीं जल रहा है पीछे का, सिर्फ ऊपर का जो स्टॉप लाइट है वही सिर्फ जल रहा है। और मैं सोचा कि बूट को एक बार खोल के देखता हूँ कि क्या हुआ है कि नहीं। और यह बार देख रहा हूँ कि तीन चूहे यहाँ पर अभी है, मतलब स्टेमनी के पास, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। मैं अभी प्लस ऑन करके दिखा रहा हूँ दूसरा मोबाइल से, और यहाँ पर देख सकते हो तीन छोटा छोटा चूहा मतलब है, मतलब इसका मतलब आप बोल सकते हो बच्चा है, बड़ा चूहा का बच्चा है, तीन चूहा छोटा छोटा। और यहाँ पर मतलब अभी वो घर बना लिया स्टेमनी के पास, और जो पीछे का जो बैकलाइट का वायरिंग था वो सारे काट दिया है चूहा ने। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कांड किया है, जो स्टेमनी के ऊपर जो कवर जैसा था वो भी थोड़ा थोड़ा करके काटा है। और यहाँ पर गैस देख सकते हो सारे तार मतलब काटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, और जितना हो सके आपको दिखा रहा होगा इस देख सकते हो, मतलब सारे तार यहाँ पर काट दिया है। और इधर साइड का उधर साइड का भी जो तार है वायरिंग था वो भी मतलब वायर सारे काट दिया है। और उसके लिए मतलब पीछे का कोई भी ये जो आप देख सकते हो बैक लाइट है और तीनों जैसे कि आप देख सकते हो रिवर्स है और इंडिकेटर है और रेड कलर का जो मतलब स्टॉप लाइट है वो नहीं जल रहा है। और सिर्फ जो ढिकी का जो लाइट है लाइसेंस के नंबर प्लेट के पास जो लाइट है वो जल रहा है और ऊपर का स्टॉप लैम्प जल रहा है, और दोनों साइड का कोई भी लैम्प नहीं जल रहा है पीछे का। सो मतलब कांड ज़्यादा ही अच्छा किया है गाइस। अभी नेक्स्ट डे है और उस दिन रात हो गया था, उसके लिए घर चला गया था। और अभी नेक्स्ट डे पे आके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ चीज़ हुआ है, लाइट जल रहा है कि नहीं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर का जो स्टॉप लैम्प है वो बिल्कुल डन है, मतलब जल रहा है। और नीचे का जो नंबर प्लेट का जो लाइट है जैसे कि आप देख सकते हो दोनों लाइट, ये भी बिल्कुल सही जल रहा है, डन है। और बट दोनों साइड का जो बैक लाइट है वो नहीं जल रहा है गाइस। अभी आप देख सकते हो अभी पार्किंग लाइट ऑन किया है और नीचे पर नंबर प्लेट के साइड पे लाइट जल रहा है, और ऊपर का जो स्टॉप लैम्प है वो बिल्कुल जल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नंबर प्लेट के साइड पे भी लैम्प जल रहा है और दोनों साइड का नहीं जल रहा है, बस यही दिक्कत है। और देखते क्या है इसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं। और जो चूहा है वो मतलब अंदर में घुस जाता है और कार के अंदर, वो कैसे मतलब तो पता नहीं, बट मतलब कार यहाँ पर ज़्यादातर बैठा ही रहता है, उसके वजह से मेरे को लग रहा है कि चूहा का जो मतलब कार पे ही घर बना ले रहा है। और सोचा कि देखते अभी क्या करने से मतलब चला जाता है। और उसके लिए ही मैं मतलब ये कार पे अभी जो मतलब कोप्पुर बोलते हैं वो कोप्पुर दोनों साइड पे मतलब चारों तरफ अच्छे से दिया हूँ, और क्योंकि जो चूहा है वो घुसने ना पाए, उसका जो गंदा है मतलब बोल सकते हो सेंड है, और उसके वजह से ये अंदर में नहीं आएगा मेरे को लग रहा है। सो देखते क्या होता है। और एक मतलब मैकेनिक ने भी बोला था उसके लिए, और अभी आप देख सकते हो स्टेमनी के नीचे पर जो चूहा था वो मैं निकल लिया हूँ बाहर, और जैसे कि आप देख सकते हो अभी बिल्कुल क्लीन है। और मतलब सारे स्टेमनी वगैरह खोला था और सारे कुछ मतलब साफ सफाई किया हूँ, और जो स्पंज था स्टेमनी के पास वो भी निकाल लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही मतलब चूहा का मतलब घर बना लिया था। और यहाँ पर कैसे देख सकते हो कोप्पुर दिया हूँ, और इसको मतलब बंगाली में बिस्कोपुर बोलते हैं। सो यही दिया हूँ चारों तरफ, और एक मैकेनिक भी बोला था कि ये देने से मतलब चूहा वगैरह नहीं आएगा यहाँ पर, सो उसके लिए दिया हूँ चारों तरफ। और यहाँ पर भी देख सकते हो स्टेमनी के ऊपर। सो बस अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, उसका भी रिस्पॉन्स आपको वीडियो के थ्रू एक दिन ना एक दिन मतलब बता दूंगा आपको। सो देखते हैं, और अभी चलते हैं मैकेनिक के पास, देखते हैं जो बैकलाइट है इसको सही
होता है कि नहीं वो ऊपर जाके बताऊंगा आपको। सो अभी कार को बाहर निकलने देते हैं और ऊपर सामने आप देख सकते हो पुलिस लाइट जल रहा है, उसका थोड़ा सा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है और फोन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ है अभी तक और देखते बाद में क्या होता है और नहीं होगा तो अच्छा होगा। सो देखते अभी उसके पहले ही मेरे को कुछ मतलब कराना पड़ेगा और देखते क्या होता है। और अभी आप गाइस देख सकते हो कार स्टार्ट है और रिवर्स में अभी कार को मतलब बाहर निकलता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो अभी चलते हैं बाहर और अभी तो घर के अंदर पूरा अंधेरा है और अभी देख सकते हो बाहर का और रोशनी। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मतलब चूहा ने चारों तरफ मतलब आप बोल सकते हो चूहा का जो खाने का चीज़ है वो इधर उधर लगा हुआ है, मतलब यहाँ से आ जा रहा था और वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी जो कोपूर बोलते हैं वो दिया हूँ और देखते बाद में आता है कि नहीं, और नहीं आएगा तो भाई अच्छा होगा। सो गाइस अभी जा रहा हूँ, जो मतलब जो पीछे का जो लैंप है कट गया वो ठीक करने के लिए। सो देखते चलते हैं क्या होता है, आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा और आप वीडियो देखते हैं। गाइस अभी मैकेनिक के पास आ गया हूँ और उन्होंने क्या कुछ मतलब प्रॉब्लम है वो भी चेकिंग किया है और बूट अभी ओपन है और मतलब अभी नहीं हो पाएगा वो बोल रहा है, मतलब अंधेरा हो गया है उसके वजह से, मतलब नेक्स्ट डे पे आने के लिए बोल रहा है। सो देखते हैं लेक्सी क्या होता है और बस अभी तो मतलब आज नहीं होगा। सो बस चलते अभी यहाँ से और बूट को अभी ऑफ कर लेता हूँ, देखते घर पर मैं ही कार ले पाता हूँ कि नहीं वो भी आपको दिखाऊँगा। सो अभी यहाँ पर ही मतलब मेरे को वीडियो को लग रहा है एंड करना पड़ेगा। गाइस अभी घर पे जा रहा हूँ और मतलब अभी तो नहीं हो पाया है वो जो पीछे का बैकलाइट का जो काम था वो, और अभी रिवर्स साइड के पास से ही जा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा नाइट का। सो अभी चलते ही यहाँ पर ही वीडियो को गाइस एंड करता हूँ और बस ऐसा ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ होता है वो, नेक्स्ट वीडियो पे आप देख लेना। सो यहाँ पर ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ और गाइस देख सकते हो साइड पे अभी मेरा साइड पे ही है, राइट साइड पे रिवर, और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको रिवर साइड का भी व्यू दिखाता हूँ एक जगह पर रुक के। गाइस अभी रिवर साइड के पास रुका हूँ और आप देख सकते हो रिवर साइड का व्यू और ऊपर का जो स्काई है, स्काई का भी व्यू देख सकते हो और साइड पे अभी फेरी घाट है और देख सकते हो मतलब अंधेरा हो गया है उसके वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सो यही पर ही वीडियो को एंड करता हूँ और जो पीछे का बैकलाइट है वो नेक्स्ट वीडियो पर दिखाऊँगा कि कैसे सॉल्व होता है। सो यहाँ पर ही वीडियो को एंड करता हूँ, बाय।